अमृत दी न्यूज यूट्यूब पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हैं ज्ञान भवन में आयोजित फायर फ्लाइज फैशन शो और वेडिंग ड्रेसेस का सेल भी यहाँ लगा है दो दिनों के लिए। और यहाँ लगभग पूरे भारत से महिलाएं जो हैं वो विवाह पोशाक और आभूषण के लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ लग रहा है जैसे कि एक त्यौहार है सजने संवरने का। और यहाँ एक चित्रकार आए हैं कोलकाता से, उन्होंने एग्जीबिशन भी लगाया है। आइए देखते हैं उनके स्टॉल पर क्या उन्होंने लगाया है प्रदर्शनी में। नमस्कार दादा। नमस्कार, की खबर? ये प्रदर्शनी आपने लगाई है? हाँ, मैंने लगाई है। ये इसका मीडियम क्या है? एक्रिलिक, मोस्टली एक्रिलिक है। दो यहाँ पे चारकोल का है और ये वाला वाटर कलर। आप अपना परिचय जरा दें। मेरा नाम है राकेश मलिक, मैं कोलकाता से हूँ जी। आपने कभी कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या चित्रकला का? एक्रिलिक के लिए मैं कहीं पर ट्रेनिंग ली, जब बच्चा था तब एक बार तब वाटर कलर सीखा था मैं जी। किससे? वाटर कलर। किससे? मेरा एक लोकल टीचर है गोपाल जी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हुआ? एमएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस और साथ साथ ये कला साधना भी बहुत ही अच्छा। दर्शकों को कुछ बताएं आप, ये यहाँ देख रहे हैं एक पक्षी है जिसके मुंह में कोई कीड़ा है और बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। मीडियम क्या है इसका? ये एक्रिलिक है। एक्रिलिक है और कैनवास बोर्ड है क्या? कैनवास पेपर पर। दर्शकों को बताएं कौन सा पक्षी है? ये बी ईटर है, चेस्टनट ईटर बी ईटर। बहुत ही सुंदर। ज़्यादा यहाँ जो है इस चित्र प्रदर्शनी में लैंडस्केप दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हाँ, ज़्यादा लैंडस्केप ही है, बहुत ही सुंदर ये भी दृश्य है। लैंडस्केप का एक रूप से ही बना हुआ है। ये आपको जेलीफिश, हाँ जेलीफिश है, ब्लैक एंड वाइट। और यहाँ आप देख रहे हैं ये बताइए क्या है? ये मरमेड है और बहुत ही सुंदर बना है। ब्लू कलर और वाइट कलर का यूज किया गया है इसमें। जलपरी, जलपरी कोई काल्पनिक नहीं है, जलपरी सच्ची, मतलब कि कहा जाए कि यह जो प्राणी है जलपरी, इसे देखा भी गया है बहुत जगह, समुद्र में पाया भी गया है, इसे काल्पनिक नहीं माना जाए। और यहाँ एक पक्षी देखा जा रहा है, इस पक्षी के बारे में ज़रा बताएंगे आप? ये मुन्नार में देखा था, ये येलो ब्राउन बुलबुल। बुलबुल है, बुलबुल है। और वो ऊपर वाला दृश्य लैंडस्केप है, बहुत सुंदर। और ये इसके बारे में बताए ज़रा? ये मुन्नार के टी गार्डन, टी गार्डन में चाय का बगान है। आप वहाँ गए थे? हाँ, मैं गया। कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह, बहुत शांति मिली होगी। हाँ, शांति, बहुत पीसफुल जगह है। और ये सनसेट है, ये मेरे रूम में, रूम से ही, रूम के खिड़की से खींचे हुए फोटो से बनाया हूँ। बहुत ही सुंदर। ये किसके बारे में ज़रा बताएं? बर्फीला क्षेत्र, ये भी बहुत ही अच्छा। आपने ज़्यादा प्रकृति चित्रण किया है, लैंडस्केप भी है। और यहाँ ये जो है दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लग रहा है जैसे कि 5-6 वृक्ष जो हैं वो गले मिल रहे हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए राकेश मलिक जी से। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि एक्रिलिक पेंटिंग से, एक्रिलिक कलर से चित्र बनाना चाहिए? किससे प्रेरणा मिली? आपके घर में और कोई चित्र बनाते हैं क्या, चित्रकार हैं कोई? नहीं, और कोई एक्रिलिक से तो नहीं बनाता है। दूसरा मीडियम से?
ऑयल कलर नहीं। वाटर कलर मैं सीखा था मैं पहले, फिर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख के एक्रिलिक से पेंटिंग करने का थोड़ा मन किया तो करके देखा। आपका ज़्यादा जो दिखा जा रहा है बहुत छोटा छोटा है, तो बड़ा बड़ा क्यों नहीं बनाते हैं आप? अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि इतना बड़ा 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 बनाते हैं। बनाने का है इरादा? बनाने का इरादा है। ऑयल कलर भी सीखिए और एक्रिलिक कलर जो होता है उससे तो आप बना ही रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी कलाकृति को देख कर? आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा भाई है। जी जी, फिर भी मेरा छोटा भाई है अपन। हाँ छोटा भाई है जी। बचपन से थोड़ा बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, तो तब मैंने एक गोपाल बोल को एक लड़के के पास सीखने के लिए दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा उसको आइडिया वगैरह पेंटिंग का आइडिया वगैरह अच्छा देता था, उससे काफ़ी इसको सीख मिली। और बाद में फिर ये जब अपना बोर्डिंग स्कूल या कॉलेज में गया, ये एक्चुअली पढ़ा था अब बेलू विद्या मंदिर कॉलेज में, वहाँ पे दोस्तों के साथ रह के, और फिर आपका पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा वहाँ पे भी दोस्तों के साथ, एक इन लोगों के आपस में एक पेंटिंग का कॉम्पिटिशन जैसा चलता था, उससे काफ़ी इसको पेंटिंग का और बढ़ावा मिला। और फिर यूट्यूब से देख देख के आज ये काफ़ी अच्छा पेंटिंग बना रहा है, तो काफ़ी लोग अब इसका पेंटिंग को अभी काफ़ी सराहता है, तो हम इसके इंस्टाग्राम में भी इसका काफ़ी फॉलोअर है। पुरस्कार वगैरह भी मिला है इसे? पुरस्कार वगैरह नहीं, ऐसे छोटा जब था उस टाइम में जितना पेंटिंग करता था इधर उधर उसमें स्कूल में जो पुरस्कार मिलता था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वालों से बात किया था कि अगर ऐसा कोई इसको मौका दिया जा सकता है कि ये अपने पेंटिंग को एग्जीबिट कर पाए, तो वो ये हम फायरफ्लाई के को थैंकफुल है, फायरफ्लाई ने ये मौका इसको दिया है ताकि ये पेंटिंग देखते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन मलिक है। रंजन मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम सौहार्द मलिक है। सौहार्द मलिक, यहाँ कौन सा पेंटिंग तुमको सबसे अच्छा लगा बताओ जरा? मुझे तो सभी अच्छे लगते। कोई भी एक अगर तुमको कहा जाए कि कोई एक उठा लो, कौन सा उठाओगे? चलो जल्दी चलो, ये वाला। अभी क्या करते हो तुम? किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। 3 में, कोलकाता में। बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? बड़ा होके मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? मन लगा के पढ़ते हो? मम्मी पापा की बातें मानते हो? ठीक है, मेरी ओर से शुभकामना, साइंटिस्ट बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, आपको धन्यवाद। अमृत न्यूज़ यूट्यूब पटना बिहार।